उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान फिर से खुलने जा रहे हैं। 23 नवंबर 2020 से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। बता दें कि कोरोना को लेकर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान बंद थे। अब कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इन्हें खोलने की अनुमति मिली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का पोस्ट लॉकडाउन फिर से खोले जाने को लेकर 5 नवंबर को जारी गाइडलाइन का अनुसरण किया गया है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए हैं। निदेशालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी स्टेक होल्डर्स की भूमिका तय करते हुए टीचिंग प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। निदेशालय ने जारी एसओपी में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को खोले जाने की प्लानिंग और संस्थान की भूमिका से लेकर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां तय की, ताकि संक्रमण किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। बताते चले कि आने वाली 23 नवंबर से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.